बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एसएलएसएन, वेलकम टू 7th सोशल स्टडी क्लास। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब कैरियर से होंगे। बच्चों हमने जो है जियोग्राफी का यूनिट 8 स्टार्ट किया हुआ था, ओशन एंड सीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके जो है मैंने आपको कंटेंट रिव्यू के जो क्वेश्चन है वो भी करवा दिए थे। ठीक है, अब जो है एडिशनल क्वेश्चन इसके जो है वो हमने करने, इसके दो जो है हमने कर लिए थे। उन दो क्वेश्चन को मैं भी आपको जो है रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है एडिशनल क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलैंड सी एंड कोस्टल एरिया। इनलैंड सी एंड कोस्टल एरिया, सी ओ एस टी एल, कोस्टल एरिया, ए आर टी ए। ठीक है, दरमियान में आप जो एक लाइन लगा के एक साइड पे इनलैंड सी और दूसरा जो है कोस्टल एरिया का हेडिंग इनके मार्कर से दे दें। इनलैंड सी जो है, इनलैंड सीज आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली, सी ओ एम पी एल ई टी ई एल वाई, कंप्लीटली सराउंडेड, एस यू डबल आर ओ यू एन डी ई डी, सराउंडेड बाय लैंड। इनलैंड सीज आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड। अब कोस्टल सी एरिया के बारे में देखिए, कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया इज द लैंड, कोस्टल एरिया इज द लैंड अराउंड द सी, कोस्टल एरिया इज द लैंड अराउंड द सी। सेकेंड लिखे, एडिशनल क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिचेस एंड ट्रेंचेस, आर आई डी जी ई एस, ट्रेंचेस टी आर ई एन सी एच ई एस। इसकी भी इसी तरह सेंटर में एक लाइन लगा लें, एक साइड पे मार्कर से रिजेस और दूसरी साइड पे ट्रेंचेस के जो है हेडिंग दें मार्कर से। रिजेस आर स्मॉल हिल्स इन द ओशन, रिजेस आर स्मॉल हिल्स इन द ओशन, हिल्स आई एच आई डबल एल एस, ट्रेंचेस, ट्रेंचेस आर स्मॉल वैलीज, वादियां जिन्हें कहते हैं, स्मॉल वैलीज इन द ओशन बेड, इन द ओशन बेड। थर्ड लिखे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस करंट एंड डीप करंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस करंट, सी यू डबल आर ई एन टी, एंड डीप करंट। इसकी भी सेंटर में लाइन लगा लें, सरफेस करंट आर दोस करंट दैट आर ऑन द ओशन सरफेस, सरफेस करंट्स आर दोस करंट्स दैट आर ऑन द ओशन सरफेस। अब डीप करंट्स के बारे में लिखे, डीप वाटर करंट्स आर दोज करंट्स दैट आर अंडर वाटर एंड वेरियस वी ए आर आई ओ यू एस वेरियस डेप, डी ई पी टी एच डेप फुल स्टॉप। ये हमारे एडिशनल क्वेश्चन है बच्चे, ये हमारे तीन है। ठीक है, इसके बाद जो है फिलिंग द ब्लैंक्स की हेडिंग दें, फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर वन, द पार्ट ऑफ एन ओशन दैट मीट्स लैंड इज कॉल्ड डैश, द पार्ट ऑफ एन ओशन That meets land is called dash. Dash में बच्चों मार्कर से आपने लिखना है, सी लिखें, सी। नेक्स्ट है दूसरी, द लैंड अराउंड द सी इज कॉल्ड डैश, द लैंड अराउंड द सी इज कॉल्ड डैश। डैश में लिखें कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया। अब थर्ड लिखें, A dash
rising and falling movement, movement, movement of water on its surface, movement of water on its surface. डैश में आप लिखे वेव, W A V E, वेव. फोर वाली इसमें लिखे स्ट्रॉन्ग वेव्स कैन हर्ट, स्ट्रॉन्ग वेव्स कैन हर्ट पीपल, बोट्स एंड शिप्स ओवर लॉन्ग डैश, लॉन्ग डैश. डिस्टेंस, D-I-S-T-A-N-C-E. लास्ट फिलिंग द ब्लैंक लिखें. एट द टाइम ऑफ न्यू एंड फुल मून, एट द टाइम ऑफ न्यू एंड फुल मून द सन एंड द मून आर पोजिशन इन अ डैश, द मून आर पोजिशन इन अ डैश. डैश में आप लिखें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, एस टी आर ए आई जी एस टी, स्ट्रेट लाइन, एल आई एन. ठीक है बच्चों, ये आपने एडिशनल क्वेश्चन और फिलिंग दी ब्लैंक्स राइट करनी है. ठीक है, सफाई से काम करना है. और जहां पर मार्कर से हेडिंग देनी है वो मैंने आपको बता दी है. ठीक है, मार्जिन लाइन भी लगानी है और इनको अच्छी तरह आपने याद भी करना है. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.